नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की आयोजित आम सभा में एडवोकेट शिवराज पटियाल बिल को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया एसोसिएशन के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर हरदेव सिंह जम्बाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सेवानिवृत्त प्राचार्य पीसी पटियाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर संजीव ठाकुर, विजय बहल, एडवोकेट सुशील शर्मा, मुश्ताक मोहम्मद और संजीव शर्मा को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। प्रोफेसर सौरभ सूद को महासचिव और प्रोफेसर अमरजीत अत्री को महासचिव वित्त एवं प्रशासन चुना गया। पंकज भारती सह सचिव, सरोज कंवर सह सचिव प्रशासन, जसवीर कुमार प्रेस के रूप में चुने गए हैं। कोषा अध्यक्ष सुरेश पटियाल व लेखाकार राजीव शर्मा बने। मनोज शर्मा, मनोज परिहार, मनोज कुमार, प्रोफेसर कल्पना चड्ढा, प्रोफेसर प्रवीण शर्मा, प्रोफेसर मुकल, प्रोफेसर मोनिका पुरी, प्रोफेसर रिचा कंवर, प्रोफेसर अश्विनी पुरी, संदेश राणा व बिपिन को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। सेवानिवृत्त कर्नल एडी शर्मा को मुख्य सलाहकार, प्रोफेसर जे एस चौहान, सुदर्शन शर्मा व कोच भूपेंद्र सिंह को सलाहकार का दायित्व सौंपा गया है। प्राचार्य डॉक्टर जम्बाल ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन से और अधिक पुराने छात्रों को जोड़ा जाए और एसोसिएशन महाविद्यालय की विकासात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए जनरल हाउस बुलाया गया था। इस जनरल हाउस में फर्स्ट बैच से लेकर अभी तक के कुछ बैचेस के जो पुराने स्टूडेंट्स थे वो इस बैठक में उपस्थित रहे और जनरल हाउस में सर्वसम्मति से श्री शिवराज पटियाल जी को, जो एडवोकेट हैं और फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, उन्हें अध्यक्ष चुना गया है और मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद पर निर्वाचित किया गया है और ये सब सर्वसम्मति से हुआ है। ओएसए का लक्ष्य ये है और इसकी पूरी कार्यकारिणी जिसमें सलाहकार, मुख्य सलाहकार और बाकी पदाधिकारियों का जो चयन हुआ है, ओएसए ये लक्ष्य लेकर चलेगा कि महाविद्यालय में विकासात्मक गतिविधियों और निर्धन छात्रों और कोई भी सकारात्मक गतिविधियां चलाने के लिए अपना कार्य करें। इस उद्देश्य को लेकर ओएसए और इस माध्यम से हम पुराने छात्रों से ये भी अपील करना चाहेंगे कि वो इसका इस मुहिम के साथ जुड़ें और इस मुहिम में जिन लोगों से हम अभी संपर्क नहीं कर पाए वो भी ओएसए के साथ जुड़ें और कॉलेज और अन्य विकासात्मक गतिविधियों में हमारा सहयोग